बयाना में शिक्षकों के नहीं आने से स्कूल बंद मिला, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, बोली लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। बयाना के सरकारी स्कूल में मंगलवार को ताला लटका मिलने पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। मामला ब्लॉक की ग्राम पंचायत नहरोली के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नंगला वर्धा का है, जहां 4 दिनों की छुट्टी के बाद मंगलवार को स्कूल खुला था। स्कूल के बच्चे तो समय पर पहुंच गए, लेकिन टीचरों के नहीं आने से स्कूल पर ताला लटका रहा। स्कूल बंद होने की सूचना पर अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय निवासी लोकेश छाबड़ी ने बताया कि स्कूल में मात्र 2 ही महिला टीचर हैं। इनमें से एक टीचर पिछले करीब 2 महीने से मेडिकल लीव पर चल रही हैं। मंगलवार को दूसरी टीचर भी स्कूल नहीं आई, इससे स्कूल पर ताला लटका रहा। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने जब महिला शिक्षिका से मोबाइल पर स्कूल न आने की बात पूछी तो उन्होंने संस्था प्रधान के अधिकार की छुट्टी होने का हवाला दे दिया, जबकि इस बारे में पूर्व में बच्चों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से स्कूल में अतिरिक्त टीचर लगाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बयाना से देवी सिंह प्रजापत की रिपोर्ट। ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत नहरोली के गांव नंगला बरधा में स्थित है, जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय है। यहाँ 2 ही मैडम हैं जो पदस्थापित हैं, जिनमें से एक मैडम तो करीब 2 महीने से बीमारी का बहाना बना करके 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। एक मैडम है जिनसे आज मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि आज मेरी तरफ से छुट्टी रखी गई है। करीब यहाँ 50-60 बच्चे हैं, संस्कृत विद्यालय है, और आज विद्यालय का आप देख रहे हो ताला लगा हुआ है और विद्यालय बंद है। बच्चे यहाँ आकर के बैग लेकर के वापस चले गए। मैंने जब संबंधित उच्च अधिकारी विनोद मेड़ा जी अपने पीओ स्कूल नहरोली के प्रिंसिपल उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ये विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर मैंने सीबीओ रामलखन घटाना जी से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि ये विद्यालय हमारे अंडर में नहीं आता है, ये संस्कृत विद्यालय है और ये शिक्षा संकुल के अंदर में आता है, ये हमारे अंदर हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द और टीचर लगा करके विद्यालय को संचालित कराया जाए, जिससे बच्चों को शिक्षा दी जाए और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आई जाए, मेरा निवेदन है। और ये स्कूल कभी कभार खुलता है, क्योंकि एक ही मैडम है जो किसी दिन बरसात के बहाने नहीं आ पाती है, एक मैडम है जो बीमारी के बहाने छुट्टी ली, 2 महीने हो गए उसको छुट्टी पे चल रही है।